पूरी दुनिया में सीईओ की सीट्स पे औरतें कम हैं, और इसका मतलब कतन इसका कोई ताल्लुक काबिलियत के साथ नहीं है इसका, वो रेडीली वॉलंटरली फैमिली की खातिर बच्चा होने वाला होता है वो छोड़ देती हैं, बिल्कुल है, क्योंकि ये फितरत के साथ आ रही है। और फितरत के अलावा भी मैं आपको ये बताऊं, अपनी नज़रों के सामने जब अपनी औलाद बर्बाद होती नज़र आए ना, तो यकीन कीजिए वो चंद टकों का कोई फ़ायदा लगता नहीं है। हमने किस बिना के ऊपर अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को कह दिया कि बच्चे बीकन हाउस में ये एचिसन में पढ़ेंगे ही तो अच्छी तालीम होगी, हमने कह दिया घर इतने मरले इतने कनाल और इस तरह वाला होगा तो वो होगा। आप ठहर जाइए, हम जब बात करते हैं ये इन बातों पे छोड़ दीजिए, ये जो कहते हैं जी स्विट्जरलैंड जो है वो हैप्पीएस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड है, इसको डॉक्टर हमजा यूसुफ ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बताया। उन्होंने कहा हैप्पीएस्ट हैप्पी होने की ज़रा डेफिनेशन डालो, और उसके लिए उन्होंने अफ्रीका के जो है वो दूर दराज के जो आइलैंड्स हैं वो निकालने हैं जिसके अंदर इतने अरसे से ना कोई कत्ल हुआ है, वहाँ पे लोग अपनी रिलेशनशिप को अहमियत देते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, खाते पीते हैं, सेहतमंद हैं और अमन के साथ रहते हैं। तो थोड़ा सा ये जो है ना ये सेट दूसरों ने हमारे लिए सेट किए हैं, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, अगेन वही बात है कि बी प्रोएक्टिव, अपने स्टैंडर्ड जरा खुद सेट करें, अपनी प्रायोरिटीज खुद सेट करें, लोगों के की नजर से या एनक से नहीं अपने आप को देखें, और उसके बाद देखें कि व्हाट कम्स फर्स्ट। और यकीन कीजिए अपनी औलाद अपनी नजरों के सामने बर्बाद हो जाए तो प्रेसिडेंटशिप का भी ओहदा मिल जाए ना तो वो रेत के जर्रे के बराबर भी नहीं। एग्जैक्टली, इतनी बड़ी ये अहम बात है, मर्दों के लिए ये इतनी अहम है तो कुजा के औरतों के लिए। यही तीसरा कॉन्सिक्वेंस मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि यकीन करें कई लोग रिग्रेट करते हैं कि हमने बच्चों को टाइम दिया ही नहीं, औरत भी लगी रही, मर्द भी लगा रहा, बच्चे जो है वो या ड्राइवर पाल रहा है या वो मेड्स पाल रही है। दोबारा हमने सक्सेस को या प्रोडक्टिविटी को नोटों में और सैलरी में कब से नापना शुरू कर दिया? बिल्कुल है ना, वो जो आपने अपने बच्चे को जो टाइम देके जो उसको कामयाब इंसान बनाना था, जो हर औरत और मर्द बाप और माँ की एक बुनियादी ख्वाहिश है, वो किधर गई आपकी टास्क, वो किधर गया आपका गोल? सिर्फ और सिर्फ रुपए आपने कह दिया मेरे इतने डिजिट में सैलरी है तो मैं सक्सेसफुल हूँ। बस वो सोच ये है ना जी कि हम पैसे कमाएंगे तो बच्चों कल को क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल जाएगी, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को समझ ही नहीं रहे। क्वालिटी भाई ये कि आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, आपके बच्चे आपके साथ अटैच हों, आपने उनके साथ वक्त गुजारा हो, वीकनेसेस पता हो, उनकी स्ट्रेंथ्स पता हो। आपने स्कूल्स के हवाले कर दिया, अकेडमी के हवाले कर दिया। हमारे पास कई पेरेंट्स आते हैं कहते हैं कि जी हमारे बच्चों को संभाल लें। मैं पहला सवाल उनसे ये करता हूँ कि आपने इन्हें कितना टाइम दिया? वो कहते हैं कि अगर हमारे पास टाइम होता हम आपके पास क्यों भेजते क्यों? एग्जैक्टली। अच्छा एक थोड़ा सा एक और भी पहलू की तरफ वो बात कर लें। देखिए जब रिएक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता है, एक मर्दों की साइड से भी और हमारे यहाँ जो कंजर्वेटिव एक फैमिली सिस्टम है उसकी साइड से भी एक नेगेटिव रवैया आता है। हम लोग जो है ना रिश्ता लेने जाते हैं किसी डॉक्टर का, किसी इंजीनियर लड़की का, हमें पता होता है इसने 7-8 साल बहुत जान गसल मेहनत की है और शी इज एबल टू अर्न दिस मच मनी, अगेन मनी और वो जो डिजिट्स है ना दे आर द क्राइटेरिया। अब ये है कि उसके साथ वो कहते हैं कि हम शादी तो तुमसे करने लगे हैं लेकिन ये है कि तुमने जॉब नहीं करनी है। अच्छा जैसे आपने ये बताया ना कि वो जिस खातून ने शौहर को पहले से ही कह दिया या टू बी हस्बैंड को पहले से कह दिया 2 साल तक बच्चा नहीं, तो बेचारा वो डर जाता है कि पता नहीं अब होने क्या लगा। एग्जैक्टली इसी तरह ये लड़की भी डर जाती है कि पता नहीं मेरे लिए कोई कैद खाना या जेल खाना तो नहीं तैयार किया जा रहा जहाँ पे मेरे हाथ में एक झाड़ू पकड़ा दिया जाएगा और मेरे से एक्सपेक्ट की जाएगी कि मैं उसकी सफाई शुरू कर दूंगी। तो हमें अगर हमने सॉल्यूशन ढूंढना है तो हमें दोनों तरफ आना होगा। जिस मर्द ने इन्वेस्टमेंट की है इस बात में पढ़ी लिखी औरत लानी है, ठीक है, तो फिर उसको उसको अकोमोडेट भी करना पड़ेगा। उसके बारे में ये कह देना कि नहीं ये मेरा कंसर्न नहीं है, जबरदस्त बिल्कुल, तो ये बात बिल्कुल गलत है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि व्हाट यू हैड बीन बार्गेनिंग फॉर एंड व्हाट यू आर गेटिंग नाउ, ओनली इन आप अपना साइड अपना रोल प्ले करने के लिए दूसरे को इल्ज़ाम कर रहे हैं। यही वजह है कि एक्शन के साथ रिएक्शन होता है। मेरे पास पिछले दिनों एक केस आया था और उसमें वो इसी तरह वो लड़की बहुत ही शाइनिंग थी और वो इस बात से इतनी डिस्टर्ब थी कि शादी से पहले इन लॉज ने कहा, हालांकि सब के सब नंदे वंदे सब जॉब कर रहे हैं, शौहर भी बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और जनाब ये कह रहे हैं जी जॉब नहीं करनी, जी हमारे मेरे माँ बाप है तो उनका ख्याल करना है। आप वो वाली बातें क्यों कर रहे हो जिनका सर पैर नहीं है? अगर आपको वाकई खिदमत गुजार लानी थी तो कोई ज़रा एफ ए या मैट्रिक ले आते हैं ना। तो आप ये जब एक सेट कर देते हो ना तो फिर वो क्या करता है, वो ट्रिगर होकर दूसरे को तरफ से भी रिएक्शन लाता है, अब उसकी तरफ से भी सख्ती आ रही है। हालांकि वो बच्ची खुद समझदार थी, जब हमने उससे बात की तो उसने कहा मैं समझती हूँ मुझे फैमिली को कमिट करना है, मैं समझती हूँ मुझे डेडिकेशन देनी है, लेकिन ये मुझसे कैसे वो किया जा रहा है? फिर हमने उसको थोड़ा सा समझाया, हमने कहा बेटा माइंडसेट बहुत जल्दी तब्दील नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ आपकी स्पाइन ब्रेक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करेगा,
हौसला करो हौसला करो, ये अच्छा रिश्ता है। तो ये हमें अपनी कॉन्ट्राडिक्शन अपने रवैयों से निकालेंगे तो दूसरी तरफ से पॉजिटिविटी आएगी। और फिर ये बात है हमारे दीन की जो बात है वो ये है कि फैमिली फर्स्ट, उसके बाद कोई और चीज़। और ये चूंकि अल्लाह ने इबादत में और जो रिलीजियस ऑब्लिगेशन में जब आपको छूट दे दिया तो इसमें क्यों छूट नहीं आती है। और आप देखिए कि कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं या मैं रिजल्ट्स कहूँगी वो कितने सुपर्ब हैं मुस्लिम दुनिया में। हमारी औरतें घर में रहती हैं, हमारी औरतें बेसिकली मर्दों को सपोर्ट करती हैं। तो आप देख लें फैमिली लाइफ, मुस्लिम फैमिली लाइफ की पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं। वो जिन ख़वातीन की हमारी बच्चियाँ इंस्पायर होकर बात करती हैं वो खवातीन अगले घर को हाथ लगा के वापस आ चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आंटी, रियली ग्रेटफुल के आपने औरतों की साइड को भी जो है वो टच किया कि वो भी तो इनसिक्योर हो जाती होंगी और रिएक्शन आ जाता है ना, रिएक्शन ऑब्वियसली उनकी साइड देखी जाए कि उन्हें अगर बिल्कुल ही देखे ना, पहले एक बैकग्राउंड मैंने जैसे लम्स की मिसाल दी, उसके बाद एक बंदा शादी इसलिए कर रहा है जी कि लम्स की पड़ी हुई। कई ब्रदर्स हमें कहते हैं जी कि रिश्ता करा दें, जब हम पूछते हैं कि बताओ डिटेल, लम्स की पढ़ी हो, फलाने इंस्टीट्यूट की पढ़ी हो, तो उसके बाद उनसे एक्सपेक्ट करना, देखे ना उनकी ग्रूमिंग क्या हुई है। हम ब्लेम नहीं कर रहे उन्हें, लेकिन उनकी ग्रूमिंग ये हुई है, ये कॉरपोरेट माइंडसेट और जाहिर है कि एक एस्पिरेशंस रखना, अपनी ड्रीम्स रखना, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो जब आप जा ही उस साइड में रहे हो, उसके बाद जब आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि अब फ़ौरन से उनकी फैमिली ओरिएंटेड थिंकिंग हो जाएगी मैजिकली और वो सब कुछ छोड़ के घर बैठ जाएंगी, हो सकता है ऐसी कोई माइंडसेट वाली हो, लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दी अदर पर्सन जो आपकी वाइफ है उसके लिए। तो मेरे ख्याल ये इससे पहले कि रिश्ता मुकम्मल किया जाए, पाया तकमील तक पहुंचाया जाए, ये बातें पहले से सोचने वाली हैं। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा और आई थिंक कि दोनों की कन्वर्सेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मर्द अगर ये फील करता है कि माशाल्लाह उसकी वाइफ में बड़ा पोटेंशियल है और मर्द को ये देखना बड़ा ज़रूरी है अपनी वाइफ के बारे में, और वो समझता है कि ये कंट्रीब्यूट बहुत अच्छा कर सकती है, तो उसे उसे फ्रीडम भी देना चाहिए, आई बिलीव स्पेस सपोर्ट भी करना चाहिए, अकोमोडेट करना पड़ेगा, अकोमोडेट भी करना चाहिए। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ ये सोच आंटी रखना कि बच्चे हमने नहीं करने इतने साल, वो तो आई थिंक अल्लाह की नाशुक्रिया, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इस तरह के अल्फाज अल्लाह को नागवार भी गुजर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मर्द और औरत की जो रिलेशनशिप में जो लास्ट जो ड्यूरेबिलिटी आती है वो औलाद की वजह से आती है, कॉमन इंटरेस्ट हुए बगैर कभी हम वो ला नहीं सकते हैं बीच में आर्टिफिशियली। तो आप कितना बड़ा वो पुट ऑफ कर रहे हैं, देख लीजिए कि जिन शौहर बीवी में झगड़ा भी हो रहा होता है अगर बच्चे हों तो ये बात पक्की होती है तलाक नहीं होनी, ठीक है, लेकिन जहाँ पे ये ना हो तो दोनों तैयार होते हैं टाटा करने पे। ये टाटा करना इतना आसान नहीं है, बंदा अपने घुमंड में कर तो लेता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ डैमेजेस यू इमोशनली एंड सोशली परमानेंटली। मेनी अ टाइम यू लूज द क्वालिटी टू कमिट योरसेल्फ विद एनीवन, यू लूज द क्वालिटी टू ट्रस्ट एनीवन। बिल्कुल ठीक, तो इट्स नॉट दैट इजी कि बड़े आराम से लड़कियों ने भी कह दिया और मर्दों ने भी कह दिया कि नहीं तो ना सही। और हम ये देख रहे हैं आजकल ये रैपिड डिसीजंस लिए जा रहे हैं।